नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आप देख रहे हैं आपका अपना टेक्निकल चैनल एकेजीमेंट। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स कैसे सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे, बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए ही ये वीडियो है, तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कॉन्टैक्ट्स में आप अपने यहाँ पर नंबर कोई भी सेव करते हैं तो अगर वो नंबर व्हाट्सएप पे है तो वो ऑटोमेटिक व्हाट्सएप पे दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर व्हाट्सएप पे आप डायरेक्ट नंबर सेव करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है। तो डायरेक्ट सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके चैट्स के ऑप्शन कुछ दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर का जो मैसेज का आइकन बन के आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है सेकंड नंबर पे, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, तो मैं अपने चैनल का नाम से ही सेव कर लेता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो मोबाइल नंबर हमें लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं नंबर हमारा सेव हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए नंबर ये आ गया है, ये देखिए ये नंबर सेव हो गया और यहाँ पे आपको ये नंबर दिखाई देने लगा है। इस तरीके आप दोस्तों व्हाट्सएप पे ये नंबर सेव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।